हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू और आपके इस अपने भरोसेमंद चैनल में, जहां पर आप अपने स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं हमारे स्टडी आईक्यू के इस पीसीएस चैनल पर। जल्दी से अगर आपने अभी तक इसमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आप झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, हरियाणा से लेकर के तमिलनाडु तक किसी भी पीसीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत शानदार मौका है यहां पर हमारे साथ मिलकर के तैयारी करने का। तो जल्दी से जाइए हमारे इस चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने बीपीएससी एग्जाम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जिसका 12 तारीख को एग्जाम है। तो जल्दी से इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर लगाते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए जल्दी से, जितने लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है तो एक बार जय हिंद के साथ यहां पर कमेंट बॉक्स में यहां पर मुझे बताएंगे कि सब कुछ सर बेहतरीन है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, जिससे कि सेशन में जो है वो मजा ही आ जाए। चलिए सबसे पहले आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो कौन से ऐसे हमारे ब्रिटिश एम्परर थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब है, शाहजहां है, बहादुर शाह जफर है, जहांगीर है, सबसे पहले शासक का नाम यहां पर पूछा गया। देखिए कितने लोगों को इसका जवाब पता है और वो बताने वाले। तो बहुत बढ़िया तरीके से जनता को जवाब यहां पर दिखाई देता हुआ दिख रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए हमारे यहां पर जो है वो, कई लोग बहादुर शाह जफर बोले, अंतिम राजा बहादुर शाह जफर थे, लेकिन अंग्रेज जो सबसे पहले जिसके शासन काल में आए थे वो जहांगीर थे। बिल्कुल सही बात है, जहांगीर के शासन काल में आए थे 1608 में, आपको ये याद रखना है। हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारी 1600 में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला जो पहला शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जिसको हम चाइल्ड्स वॉर के रूप में भी जानते हैं, एंग्लो मुगल वॉर, जिसको चाइल्ड्स वॉर के रूप में भी जानते हैं। तो औरंगजेब इसका सही जवाब हो जाएगा। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत की पहली जनगणना है उसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूंगा तो वो कब हुई, 1 में 11 में 21 में या 1872 में। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे यहां पर जो है वो कौन सा ऐसा वायसराय था जिसको असैसिनेट किया गया था, मारा गया था। तो वहां से अगर आपको याद होगा तो हमारे यहां पर 1872 में पहली बार जनगणना हुई, जिसको पूरी कंप्लीट नहीं हम बोलेंगे, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, है ना, इनकंप्लीट हमारी जो जनगणना थी। और उस समय जो वायस राय थे वो थे लॉर्ड मयो, जिनको यहां पर मारा गया था। तो ये भी आपके लिए हो जाता है काफी महत्वपूर्ण। तो ये आप देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डी के ऊपर टिक करके आप नंबर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा जो कांड है जिससे असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हो गया था, गांधी जी ने वापस ले लिया था, ये किस हमारे राज्य का थाना है, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। चौरी चौरा, तो हमारे कानपुर से एक ट्रेन भी चलती थी चौरी चौरा एक्सप्रेस, मुझे याद है। और ये चौरी चौरा जो कांड है ये हमारे 1922 में हुआ था, फरवरी में। और यहां पर जितने लोग बोले सही उत्तर होना चाहिए यहां पर हमारे, ये उत्तर प्रदेश का है तो यूपी वाले जरा यहां पर जितने लोग है सही जवाब दे रहे भैया। तो यूपी जितने लोग बोले जवाब उनका बिल्कुल सही है, गोरखपुर के पास ये चौरी चौरा है, तो यूपी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से हमारा जो रॉन्ग मैच है, सही नहीं मिलाया गया, वो आपको बताना है। विष्णु पुराण, मौर्य एम्पायर, मत्स्य पुराण, हमारा सातवाहन डायनेस्टी, वायु पुराण, गुप्ता डायनेस्टी, भगवत पुराण, पाला डायनेस्टी, या इनमें से सारे के सारे आपको सही लग रहे हैं, हमको बताना है कि कौन सा भाई गलत मिलाया गया है। तो बहुत अच्छी तरीके से जनता यहां पर पिक करना शुरू कर दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि सर ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारा जो गलत मिलाया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर टी, भगवत पुराण में पाल डेंसी का जिक्र है, ये गलत बात है। तो विष्णु पुराण ये हमारे मौर्य पुराण के बारे में बताता है, मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो ये हमारे सातवाहन डेंसिटी के बारे में बताता है, और वायु पुराण की बात करेंगे तो गुप्ता डेंसिटी के बारे में बताता है। लेकिन यहां पर जो भगवत पुराण है ये पाल डेंसिटी के समय का नहीं है, ये यहां पर हो जाएगा गलत। डी नंबर इज द सही जवाब है। हमारे पुराणों की संख्या है 18, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद हैं, हमें सबको पता है 6 हमारे जो है ये क्या है हमारे बोल सकते हैं इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, शौकत अली, गुलाम अबुल कलाम आजाद है, अबुल गफर खान है, जिन्ना है, या इनमें से कोई नहीं। तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले कौन से एरिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब फ्रंटियर, फ्रंटियर ऑफ पंजाब, यहां पर उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था।
और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तानी होने के बावजूद नोबेल हमारे यहां का भारत रत्न जीते थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी भी यही थे और इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां पे सी नंबर जितने लोग बोल रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस शिलालेख में आप पढ़ेंगे? भारतवर्ष हम जो है ये कहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे? आपके सामने बेसनगर का हाथी गुफा है, हमारे सौर गुफा या भिटारी का, कहां पर आप देख पाएंगे? जल्दी जवाब देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिए। सर उदयगिरी, उड़ीसा का जो हमारा उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर एक अभिलेख है जो बहुत सारे राजाओं के बारे में जानकारी देता है जिसको हम लोग हाथी गुम्फा अभिलेख के रूप में जानते हैं। ये उदयगिरी की पहाड़ियों में उड़ीसा में दिखाई देगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर के ऊपर टिक करके नंबर बटोरते चलिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जैन धर्म के पर्स हमारे तीर्थांकर पार्श्वनाथ से, आपको बताने पार्श्वनाथ का संबंध जो है ये हमारे किस वंश से है? पार्श्वनाथ जो है ये हमारे कौन से वंश से जुड़े हुए हैं? जात्रक है, लिच्छवी है, इच्छवाकू है, शाक्य वंश है या इनमें से कोई नहीं? तो भैया यहां पर देखो महावीर स्वामी के बारे में तो सर हमको पता है कि सर वो जो है जात्रक वंश से संबंधित है, लेकिन अगर हमसे यहां पर पूछा गया कि पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के थे इनका संबंध किससे, तो दोस्तों ये भगवान राम जिस वंश से संबंधित है, किसी को भगवान राम के बारे में पता है? सभी लोग राम मंदिर के लिए बातें करते हैं तो बड़े बड़े से कमेंट लिखते हैं। तो जो राम भगवान का वंश था वो था इच्छवाकू वंश, और उसी से ये 23वें हमारे जो तीर्थांकर है जिनका जो सिंबल है स्नेक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे दिखाई देंगे। तो तीन नंबर मतलब सी नंबर के ऊपर टिक कर सकते हैं। गुजरात के किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था? मोहम्मद गोरी को हराने वाले राजा, लेकिन याद रखो साल देखिएगा, ये साल कोई और है, वो साल कोई और था। जरा जवाब देंगे क्या होना चाहिए। यहां पे अंतर बोल लीजिए सर, अगर हम यहां पे सही उत्तर की बात करेंगे तो 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था जिनका नाम था, ये गुजरात के राजा है पृथ्वीराज चौहान, हमारे 1191 तराइन का युद्ध वाले, लेकिन यहां पे अगर आपने साल देखा हुआ है तो सही जवाब होना चाहिए। जितने लोग बोले सी नंबर मतलब भीम सेकंड ने यहां पर हराया था कायद्रा के फील्ड में, जो माउंट आबू है वहां पर ये लड़ाई हुई थी, तो भीम सेकंड करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया है? अब फंस गए बेटा तुम लोग। यहां पर हमारे सामने जमायत खाना है, अलाई दरवाजा है, सिरी का किला है, हजार खंबा महल है या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया? आसान क्वेश्चन है ये भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारे यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जो अपनी रिलीजियस प्रवृत्ति थी उसको छोड़ा कि भैया मैं रिलीजन में नहीं पढ़ना है, मेरे को बनना है पूरे सिकंदर की तरीके पूरे भारत का राजा। इसने साउथ इंडिया को भी कॉन्कर किया। जमायत खाना हो, अलाई दरवाजा हो, सीरी कमाल हो, हजार खंबा हो, सभी के सभी ये इसने बनवाए थे। साउथ इंडिया तक इसने कॉन्कर किया था मलिक काफूर की मदद से, जिसको हम लोग हजार दीरानी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पैगोडा जो है ये कहां की मुद्रा थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर, अहमद है या बरार? कहां की मुद्रा को हम लोग किसके नाम से? पैगोडा के नाम से जानते हैं। कितने लोग यहां पे जुड़े हुए हैं जल्दी से जवाब देंगे। बहुत अच्छी तरीके से जनता का जवाब आने लग गया है कि सर। अच्छा तुम लोग हिंट दे देते कि हमारे यहां पर जो ये है इसको कृष्णदेव राय इस साम्राज्य में हुए। हरिहर और बुक्का ने साम्राज्य की स्थापना की, 1336 में इसको बनाया गया था। हम्पी इसकी कैपिटल है, अब मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो 1336 में साम्राज्य को बनाया गया था और इसकी कैपिटल जो है विजयनगर साम्राज्य है। यहां का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ उसका नाम था राजा कृष्णदेव राय, जिसने अमुक्त अल्लादय नाम की किताब लिखी है तेलुगु लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य के बाद औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? 10 आठवें नंबर वाले, सातवें नंबर वाले या नौवें? सभी को पता कि 10 सिख गुरु हुए। अंतिम नंबर के जो है गुरु गोविंद सिंह है और हमारे जो पहले नंबर के गुरु नानक देव हैं। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की यहां पर हत्या की थी या करवाई थी? यहां पर अंतर क्या सही जवाब होना चाहिए? दोस्तों औरंगजेब का जब भी जिक्र होता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं जिनके इन्होंने हत्या कराई थी वो स्टेशन हमारे दिल्ली में भी मेट्रो स्टेशन है और मुंबई में भी है। ये हमारे गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर। तो ये तो हमारे गुरुओं की बात है और उनके नाम पे दो स्टेशन, एक दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है और यहां पर मुंबई में हमारा लोकल स्टेशन भी है। तो गुरु तेग बहादुर नौवे नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद साहब जी के जो हमारे पिताजी थे, नौवे नंबर। जितने लोग बोले बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांचवें नंबर के जो अर्जन देव थे उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने अर्जन देव जी की हत्या करवाई थी जो पांचवें नंबर के। किस वेद में बिहार को कीकट कहा गया है? कीकट जो है ये हम किस वेद में पढ़ेंगे? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्वेद है या इनमें से कोई नहीं? कीकट जो है ये हमारे किस वेद में बिहार को कहा गया है? तो यहां पे जनता ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया। सर कीकट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में का जो हमारा सबसे पुराना वेद है जिसको ऋग्वेद बोलते हैं इसको हमने कीकट, बिहार को कीकट बोला था। बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है,
भगवान बुद्ध के जो हमारे कंटेम्पररी हैं, समकालीन है, वो कौन है? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे बिंबिसार है, प्रसन्नजीत है, चंद्र द्योतक है, जीवांक है, या इनमें से सारे के सारे थे हमारे भगवान बुद्ध के समकालीन? तो दोस्तों हम लोगों ने कई बार पढ़ा है भाई बिंबिसार बिंबिसार, यही टिक के करके भी आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को जब हमने डिटेल में पढ़ा तो बिंबिसार जी के जो हमारे ब्रदर इन लॉ थे, मतलब आप लोग बोलते हैं इनके पति के भाई प्रसन्नजीत थे, चंद्र द्योतक और जीवक भी इन्हीं के सकाल में थे। तो मैं तो भैया इन सारों को ऊपर टिक करके आऊंगा, क्वेश्चन को ध्यान से देख करके एग्जाम में टिक करके आना है, नहीं तो आपके नंबर जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है। ठीक है, चलिए। तो ये सब हमारे बिंबिसार के ही सेना में थे, चारों के चारों। सिकंदर लोदी द्वारा बिहार और बंगाल के बीच में जो सीमा क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? बिहार, इस तरफ है बिहार और इस तरफ है बंगाल। अब ये जो बीच में सीमा क्षेत्र है इसको क्या बोलते थे? बिहार शरीफ है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, या आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है? तो भैया आप लोगों ने जब भी बिहार का मैप देखा होगा तो एक बात बहुत स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रही होगी कि हमारे बिहार और बंगाल के बीच की ये जो जगह है इसको बोलते हैं मुंगेर। कई लोग यहां पर जो मुंगेर बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही। तो मुंगेर जो है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में दोनों की सीमा का काम करता था। तो मुंगेर के ऊपर टिक करके आप नंबर ले सकते हैं, मुंगेर इज करेक्ट आंसर। 1944 में हमारे किस दिन गांधी दिवस के रूप में, बिहार में किस दिन गांधी दिवस के रूप में मनाया गया? 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 13 अप्रैल, 15 जून, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है? सर का क्वेश्चन सबको शायद समझ में आ गया होगा, सर यहाँ पे क्या पूछा जा रहे हैं कि 1944 में गांधी दिवस के रूप में आप किसको मनाएंगे? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर 2 अक्टूबर जितने लोग बोल रहे हैं वो जवाब गलत है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 15 जून। 15 जून को हम लोग यहाँ पर गांधी दिवस के रूप में बिहार पर सेलिब्रेट करेंगे। तो 15 जून यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं, 1944 में यहाँ पर गांधी दिवस सेलिब्रेट किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे सामने ईयर दिया गया है और यहाँ पर वॉर दिए गए हैं। अब आपको मैच करना है हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए, अगर ईयर और वॉर मैच कर गया तो आपके ये जो हमारे ABCD है और इसके साथ लगे हुए हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन यहां पे करता है, अगर आपको एक दो नहीं आप भी आते होंगे ना तो भी आप सही से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ए का हमारे 3 नंबर, मतलब 1775 में पहला मराठा वॉर हुआ था। तो यहां पर जितने लोग बोले फर्स्ट मराठा वॉर हमारा जो है वो 1775 में हुआ। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो बी का नंबर 4 है, मतलब हमारा जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1780 में यहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद से हम अगर देखेंगे तो हमारा डी का है 1, सी का जो है वो हमारा 1, मतलब प्रथम एंग्लो बर्मी वॉर 1824 में हुआ, और बचा अंतिम हमारा जो एंग्लो अफगान वॉर है ये 1838 में हो। तो इस तरीके से ये इसका सही क्रम है जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी में ये सही क्रम दिया गया है। थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन याद कर लो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है जहां पे वॉर और हमारे ईयर का मैचिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किसने की है? यहाँ पे H.P. बोरवास्की है, राजा राम मोहन राय है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं? मुझे लगता है कि वापस से सबको पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। चलिए बहुत अच्छी तरीके से जनता ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया कि सर सही जवाब होना चाहिए हमारे ऑप्शन नंबर एक की तरफ। बहुत सारे लोग जा रहे हैं सर एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर हमारे मैडम H.P. बोरवास्की 1875 में हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं तो सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन थी? ये हमारे एक रशियन मैम थी जिन्होंने यहां पर इसकी स्थापना की थी 1875 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1875 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में एक उथल पुथल मच गई थी, वो कौन सा आंदोलन था? 1857 ये क्रांति खत्म हुई, सब कुछ अभी सेटल हो रहा था, अंग्रेज जो है वो मेंटेन कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन तभी हमारे बंगाल में क्रांति हो गई जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, इंडिगो, या हमारे पबना विद्रोह। किस नाम से यहां पर जानेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर हमारे यहाँ पे किसानों को बहुत ज्यादा बाधित किया जा रहा था नील के फ्लावर की खेती के लिए, तो नील के फ्लावर की खेती के लिए जब हमारे उकसाया जा रहा था तो यहां पर जितने लोग बोलेंगे इंडिगो विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जितने लोग बोल रहे ये 1859 से लेकर के 60 के बीच में हुआ और बंगाल की हालत जो है वो अंग्रेजों के लिए अनुकूल नहीं रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से किसका नाम बदलकर 1920 में स्वराज्य सभा कर दिया गया? स्वराज्य सभा किसका नाम किया गया? अखिल भारतीय होम रूल लीग है,
हिंदू महासभा है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इनमें से आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हमारे यहां पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। और उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो 1 अगस्त को हमारे बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और उसी समय हमारे यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम बदलकर, सॉरी ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल करके रख दिया गया। आप देख सकते हैं जितने लोग बोल रहे हैं सर स्वराज्य हमारा सभा, तो यहां पर एक नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको यहां पे बताना है, इनमें से कौन सी नदी फतुहा में गंगा नदी से मिलती है? आधे लोग फंस गए, फतुहा में कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर के मिलती है? तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे बिहार से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि हमारे गंगा को ज्वाइन करती हैं। कुछ की अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कुछ जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हमारे झारखंड की पलामू की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पुनपुन। क्या नाम है? पुनपुन के नाम से इसको जानते हैं। यह हमारे पलामू की पहाड़ी से निकलती है और फिर जाकर के यह हमारे गंगा को फतुहा में ज्वाइन कर लेती है। तो जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं सर होना चाहिए पुनपुन, उनको यहां पर जवाब मिल गया है सही। तो पुनपुन इज करेक्ट आंसर, पुनपुन के ऊपर हम यहां पर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे पुनपुन के बाद हमारे पास आता है, इनमें से कौन सी सहायक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? गंगा नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। संख है मतलब कोयल है, साउथ कोयल है, बराकर नदी है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन है जो हमारे गंगा नदी बेसिन का हिस्सा के तौर पर देखी जाएगी? ठीक है, तो यहां पर जनता ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है कि सर अगर हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे यहां पर साउथ कोयल नदी, तो साउथ कोयल नदी तो हमारी कोई है नहीं। तो यहां पर जितने बोला सर छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो नॉर्थ कोयल नदी है जो कि हमारे बिल्कुल सोन नदी के साथ हमारे गंगा नदी को ज्वाइन करती है, तो यहां पर जितने नॉर्थ कोयल नदी बोल रहे उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर नॉर्थ कोयल मतलब ऑप्शन नंबर बी फिर से सही उत्तर हो गया। इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टियों से बनती है जो कि हमारे उत्तर के मैदान के निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो हमारे नॉर्थ का जो प्लेन है उसको बनाने में निर्मित करती है? आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी का भी गलत होना चाहिए। अगर आप यहां पे एग्जाम बीपीएससी का देने जा रहे हो, एल्बिल सॉइल इज राइट आंसर, एल्बिल यहां पर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था सबसे उपजाऊ मिट्टी एल्बिल है और सबसे अनुपजाऊ मिट्टी जो है वो लैटराइट मिट्टी है। सबसे अनुपजाऊ ज्वालामुखी से जिसका निर्माण होता है वो हमारी कौन सी? काली मिट्टी। जो हमारे चावल के लिए सबसे उपयोगी है वो रेड मिट्टी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, करेवा मिट्टी जो है ये हमारे जाफराना केसर को हम लोग बोलते हैं, जो हमारा उन्नत क्वालिटी का केसर है वो जाफरान के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है ये जो हमारी मिट्टी है ये कहां पर पाई जाएगी? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, कुछ और ही लग रहा है आपको? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब यहां पे देना शुरू कर दिया है कि सर अगर हम यहां पे केसर की बात करते हैं तो यही है, यही है, यही है, है ना, अमी अस्ते अमी अस्ते अमी अस्ते। तो पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, तो यहां पर कश्मीर के ऊपर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर इज राइट आंसर, अपने केसर के लिए सबसे फेमस कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन आप सभी को यहां पर बताना, इनमें से कौन से राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी की गणना नहीं की गई? ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, कौन कौन सी है, उनकी गणना यहां पर नहीं की गई, वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं? जरा देखिए कितने लोगों को आता है, कितने लोग यहां पर सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर हरियाणा जो है यहां पर हमारे ट्राइबल के बारे में कभी सुना नहीं है, बाकी के सब जगह पर हम कभी ना कभी ट्राइबल फोक डांसेस या बहुत सारे यहाँ की कल्चर के ऊपर बात करते हैं, हरियाणा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हरियाणा और पंजाब से अलग कब हुए थे? जब दिमाग में आ ही गया तो एक नंबर 1966 में हरियाणा जो है वो अलग हो गया था और पंजाब बेचारा अकेला बचा था। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो हमारे बच्चों में लिंगानुपात है, वो कितना था? 935 है, 34 है, 33 है, या 32 है? खुल के जवाब दीजिए, देखिए कितने लोग यहाँ पे जवाब देने वाले, बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना सभी को। यहाँ पे अंतर ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया कि सर हमारे यहाँ पर जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम ये शिशु में, या उनको हम यहाँ पर बाल शिशु में रखते हैं, और ये जो हमारा रेशियो है वो कितना था? वो 935 था। जहां पर जितने लोग 935 बोल रहे हैं, 935 जो है लड़के थे हर 1000 लड़कियों पे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सही तरीके से आपने जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन यहां पे हमारे राजस्थान से, बिहार से हमने काफी बात की, राजस्थान की यहां पर एक क्वेश्चन है,
खतेड़ी की अगर हम बात करेंगे, खेतड़ी कई लोग बोलते हैं, ये किस लिए फेमस है? तांबे, सोने, अभ्रक, लौह अयस्क के लिए, इनमें से कोई नहीं। हमारे यहां पर जो है वो खेतड़ी किस लिए फेमस है दोस्तों? यहां पर अगर राजस्थान में अगर एक जगह जो सबसे ज्यादा फेमस है वो खदानों के लिए, वो खेतड़ी है, जहां पे हमारे कॉपर का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, कॉपर जो है यहां से बहुत ज्यादा निकाला जाता है, तो तांबे के खनन के लिए बहुत फेमस ये हमारी जगह है, याद रखिएगा। हमारे यहां पर जो अभ्रक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा निकलता है ये हमारे कहां पर, ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है। आगे और भी बात करनी है इसलिए हम ज्यादा देर बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने हैं आपको। आइसलैंड, इनमें से कौन सी विशेषता हमारे ज्योग्राफिकल फीचर पे आप देखेंगे? यहां पे अल्पस माउंटेन है, यहां पर हमारा अटलांटिक रिज है, एटलस माउंटेन है, हमारे यहां पर एलिट्यूएन द्वीप है, या इनमें से कोई नहीं? आइसलैंड जो है वो यहां पर किस लिए आपको फेमस दिखाई देगा? बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना जितने भी लोग जुड़े हुए। यहां पर अंता बोली है सर मिड अटलांटिक रिज यहां पर दिखाई देगी, तो आइसलैंड जो है वो नाम से ही लग रहा है कि ये हमारे नॉर्थ अटलांटिक वाले हिस्से में स्थित एक रिज की तरीके आपको दिखाई देगा, तो नॉर्थ अटलांटिक रिज यहां पर आपको दिखाई देगा। अभी हमारे यहां पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वो आइसलैंड नंबर एक पर आपको दिखाई देगा। हम भाई देखो सबसे पहले तो हत्ती से देश है, वहां पर कोई बंटवारा नहीं है, कोई पाकिस्तान चाइना जैसा बूमा बूम करने वाला नहीं है, है ना, तो बड़े चैन से ये जीते। लेकिन इनके ऊपर अगर ये थोड़ा बहुत भी प्रेशर आ गया ना, जो इंडिया के ऊपर होता है, सबसे पहले तो भैया रिजर्वेशन हो गया, सबसे पहले ये पाकिस्तान चाइना छोटी छोटी बातों पे लड़ना, अगर ये प्रेशर इन देशों पे आ गया ना तो ये देश टिक ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहां पर जो सही जवाब है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहां पे हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि विषुवत रेखा और हमारे जो प्राइम ग्रीन प्राइम मेरिडियन है इनके इनको कहां पर आप कट करते हुए देखेंगे? जो हमारी विषुवत रेखा है ये देखिए, और हमारी जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो पॉइंट है बाबू ये कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक में, आर्कटिक में, मेक्सिको की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? सभी के सर के ऊपर मैप लगा होगा, सभी के सर के ऊपर मैप लगा, जरा मैप देखो कहां पर ये दोनों कट कर रही है, प्राइम मेरिडियन और हमारी जो ये आपको दिख रही है इक्वेटर, ये दोनों कट कहां पे कर रही है? देखो अपने ऊपर सर वाले। अंजलि बोल रही है ना, अंजलि बोले सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने बोला है सर सही जवाब होना चाहिए। सर अब हमको अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, अटलांटिक है ना बेटा, यहाँ पे हमारा अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, तो ये कौन सा अटलांटिक ओशियन? यहाँ पे जितने लोग बोला है सही जवाब है, आगे बढ़ जाओ। अटलांटिक के बाद हमारे इंडिया में जल मार्ग टू जो है, जल मार्ग टू नेशनल वाटरवे नंबर टू जो है, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तेजपुर बारापेट में है, तिनसुकिया धुबरी में है, डिब्रूगढ़ धुबरी में, सदिया धुबरी में है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा? वाटरवे नंबर टू जो है आपको कहां पर दिखाई देगा? जाओ, बहुत बढ़िया तरीके से जनता यहां पे टिक के बैटिंग कर रही है, और यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं सर ये ब्रह्मपुत्रा में देखने को मिलेगा, जो अभी आपने काफी चर्चा में भी देखा होगा, क्योंकि हमारे यहां पर एक जो है एक हमारे यहां पे क्रूज चल रहा है, नाम तुमने तो गंगा विलास क्रूज सुना है, ये हमारे वाटर वे वन से टू की तरफ जाएगा, 27 नदियों की टूर कराएगा। हमारे बिहार में गया तो वो गॉर्ज में फंस गया था, फिर वहां से छोटी नाव करनी पड़ी थी, गंगा विलास क्रूज। तो ये हमारे वाटरवे नंबर टू जो कि आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पे देखने को मिलेगा। तो जनता ने यहां पे बता दिया सर डी नंबर होना चाहिए, सदरी और धुबरी के बीच में आपको ये दो शहरों को जोड़ता है, सदिया और धुबरी को यहां पे जोड़ता है, कई लोगों को नहीं पता है वो देख लेंगे, सदिया और धुबरी को ये जोड़ता है। गंगा विलास क्रूज का नाम सुना है कि नहीं? भैया बहुत खतरनाक है, जो 27 नदियों के बीच में एकदम आपको रॉयल्टी वाली फीलिंग कराता है, तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाइकैमरल सिस्टम नहीं है? ये देखिए नहीं है को नहीं मिस करना है, पता चला पीछे छूट गया। तो दोस्तों याद रखिएगा हमने यहां पर एक ट्रिक बनाई थी ताज कुंभ, ये देखिए ताज कुंभ जो है ये ट्रिक बनाई थी, लेकिन उसके बाद से क्या अमित शाह ने क्या किया, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा हटा दिया, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तो भैया कौन सा नहीं है यहाँ पे? तमिलनाडु है नहीं है, यहाँ पे तेलंगाना करो हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब तमिलनाडु है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग जिसको हम लोग NCRWC के नाम से जानते हैं, इसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वेंकट चलैया थे, बीपी रेड्डी थे, आरएस सरकरिया थे, के पुनैया थे, या इनमें से कोई और ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो भी आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने फिर से पिक करना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए। तो यहां पे जितने लोग बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी तो पिछले वाले का जवाब था, इसका जो सही जवाब है हमारे
एन वेंकट चलैया इज राइट आंसर. ये नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेंकट चलैया थे जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब है. कमेटीज के नाम याद कर डालिए, ये हमारे एनडीए गवर्नमेंट ने बनाई थी सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था, याद रखिएगा. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, जनमत संग्रह के माध्यम से इनमें से कौन सा राज्य शासित भारत में शामिल किया गया, है ना. जनमत का मतलब होता है लोगों से पूछा गया कि भैया क्या करना चाहते हो, रेफरेंडम जिसको बोलते हैं. आपको बताना है कौन सा राज्य सम्मिलित किया गया इंडिया में, तो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन, दीव या इनमें से कोई नहीं. तो 35वें संविधान संशोधन के तहत हमारे देश में एक राज्य को जोड़ा गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया. इस हमारे देश का नाम है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बहुत छोटा सा राज्य है. यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा. अब तो यार मुझे लगता है कि मैं जवाब नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, मेरे को नहीं आता है. कई लोग बोले सर गोवा होना चाहिए, तो मेरे को नहीं आता है. रेफरेंडम के आधार पर जो जुड़ा है मेरे को अब नहीं आता है, बताओ भाई क्या होना चाहिए. यहां पर अंतर बोलिए सर, सिक्किम इज करेक्ट आंसर, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, है ना. गोवा में तो भैया हमारी आर्मीज गई थी 1961 में. इनमें से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं फंसता है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या इनमें से कोई नहीं. सुबह सुबह जब हम 6 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाते तो रोज बताते इसका हाई कोर्ट यहां पर है, जिस भी राज्य का आता है. तो हमने अभी कुछ ही दिनों पहले एक राज्य के बारे में बताया था, आपको बताना कि किसका जो है जुडिसेक्शन हमारे यहां पर बोल सकते हैं कि गुवाहाटी में नहीं आता. तो दोस्तों यहां पर हम सही बात जवाब की बात करेंगे, तो मेघालय का जो है ये अपना है, मेघालय के पास अपना हाई कोर्ट है. यहां पर आप देखेंगे तो 2013 से यहां पर हमें मेघालय का अपना हाई कोर्ट हो गया है, जो कि शिलोंग में 2013 में ये हाई कोर्ट बना था, जिसके बाद से मेघालय का भाई सब कुछ अपना है. यहां पर जितने लोग बोलेंगे सर डी नंबर होना चाहिए, वो अपडेटेड है, बाकी के लोग अपडेट हो लो. 2013 में यहां पर शिलोंग हाई कोर्ट बन गया था. चलिए बाकी के तीनों हमारे कहां पर है, गुवाहाटी में. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, और हमारे ये किस फ्रांस, किस जो है वो क्रांति से लिए गए, है ना. बोलिवेरियस रेवोल्यूशन से, अमेरिकी, फ्रेंच है, हमारे ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, इनमें से कोई नहीं. सभी को आता है ये हमारे सबसे पहले कहां पर, प्रस्तावना में पढ़ने को मिलेंगे. प्रस्तावना में अगर हम आर्यन बात करें तो प्रस्तावना में हमारा जो फ्रांसीसी हमारी जो क्रांति है वहां पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, सी नंबर जवाब सही हो जाएगा. राज्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों किस अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं. हमारे यहां पर जो राज्य विधान परिषद है इसके हमारे कितने सदस्य है जो एक तिहाई हमारी अवधि होने पर रिटायर हो सकते हैं. जनता ने यहां पर जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सभी को पता है राज्यसभा और हमारे यहां पर जो विधान परिषद है 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं. याद रखिएगा इनका जो है हमारे कौन कौन कैसे अपॉइंट होता है, 1/3 भाग एमएलए के द्वारा, 1/6 भाग गवर्नर के द्वारा, 1/12 भाग टीचर के द्वारा, 1/12 भाग ग्रेजुएट्स के द्वारा, है ना. हमारे ये सभी नंबर आपको याद होने चाहिए जो हमारे जिन राज्यों में ये विधान परिषद है. अगला क्वेश्चन 2 साल के बाद हमारे सामने आता है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये कितने साल है, 5 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 15 वर्ष या इनमें से कोई नहीं. प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर यहाँ पे बताना है, देखे कितने लोग यहाँ पे दिमाग वाले हैं और कितने लोग जो है वो झोंका में चलते हैं, हैं? झोंका वाले भी यहाँ पे कुछ लोग हैं झोंक में. यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया भाई कि प्रधानमंत्री का टेन्योर कुछ नहीं होता है. प्रधानमंत्री को जिस दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाकर के बोलेंगे भैया नहीं हमको ये डिसाइड नहीं करना है, तो हमारे यहां पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल यहां पे डिफाइन नहीं है. टिल प्रेसिडेंट प्लीजर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ई नंबर बोलोगे तो नंबर पाओगे, अदरवाइज पूजा गया जवाब. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन लोकसभा को भंग कर सकता है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा है, यहां हमारे यहां पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या इनमें से कोई नहीं. ये कौन लिख रहा है सर मोदी भंग कर सकता है, मतलब मोदी भंग कर सकता है, है? है? तो यहां पे जनता बोली है सर लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है ये है हमारे देश के जो अध्यक्ष साहब है, जिनको राष्ट्रपति या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, यहां पे जितने लोग बोल रहे हैं प्रेसिडेंट के पास ये लेजिस्लेचर पावर होता है कि ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन है बिहार से. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच में कितना अधिकतम अवधि का अंतर रहेगा. लो भाई साहब ये तो अच्छा मजाक कर दिया आप, 30 दिन का 60 दिन का 3 महीने 6 महीने या इनमें से कोई नहीं. हमारे पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो बिहार में आया था इसमें 2 जो ग्राम सभाएं होती हैं
इसके बीच का जो अधिकतम टेन्योर है ये कितना है। यहां पे जनता ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया कि सर अगर आप यहां पर बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री मीटिंग की तो वहां पर 6 महीने हो जाएगा, हमारे स्टेट की मीटिंग की बात करेंगे 6 महीने, लेकिन बिहार की इस रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने में अगर नहीं मिले पंचायत के लोग, समझ रहे हो कि नहीं, तो देख रहा है ना विनोद क्या हो जाएगा। तो 3 महीने इज राइट आंसर। यार वो बड़ा वेब सीरीज पंचायत इतनी ज्यादा वो हो गई कि लोगों ने विनोद के ऊपर इतने सारे मीम्स बना दिए, तो हमने कहा यार ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो वाकई में जो वेब सीरीज है वाकई में बहुत शानदार है, और उसमें जिस तरीके से पंचायत को दिखाया गया है मतलब फील आ जाता है पूरा गांव वाला। अगला क्वेश्चन की तो चलते, अगला क्वेश्चन हमारे सामने गया 50वां क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर सरकारी सदस्य थे, मतलब हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि हमारे किसमें चुने गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने। विठल भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, फिरोज शाह मेहता थे, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और लग रहा है वो भी आप जवाब दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर विठल भाई पटेल, हमको पता है 1925 में विठल भाई पटेल जो ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जिनको चुना गया था 1925 में, याद रखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मतलब डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है। तो 1925 में विठल भाई जे पटेल ऑप्शन नंबर ए सही था। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं बाबू लोगों, है ना, इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र के जनक के तौर पे किसको जाते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई, सभी लोग बोले सर एडम स्मिथ के ऊपर टिक करिए, एडम स्मिथ बी नंबर, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी थी, और ये हमारे इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पे जाने जाते हैं। ये किताब इन्होंने कब लिखी थी, 1776 में इस किताब को लिख करके इकोनॉमिक्स हम सभी को सिखाने की कोशिश की। हाँ, पंचवर्षीय योजना जो है इनका जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको अंतिम रूप देता था योजना आयोग देता था, है ना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एनडीसी देता था, योजना मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं, प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया, भैया ये करेंगे वो करेंगे गर्दा मचा देंगे। अब गर्दा मचाने वाला जो प्लान होता था उसको अप्रूवल देने का काम कौन कर देता कि भैया ये अप्रूवल है, है ना, अप्रूवल, क्योंकि हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कहीं पे ममता बनर्जी भी हैं तो कहीं पर जो है वो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, हो सकता है विचार अलग अलग हो, तो सबको एक मंच पे, सभी मुख्यमंत्रियों को एक मंच पे लाने के लिए 1992 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, जिसका खाली एक का काम था कि जितने भी हमारे प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया उसको अप्रूवल देना। इसके सदस्य कौन होते थे, तो सभी मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री और अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री चचा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जितने लोग बोले जवाब सही हो जाएगा, एनडीसी को भूल गए, याद आया कुछ है स्वरा, याद आया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वेस पब्लिश बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है। सर का क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, इकोनॉमिकल सर्वे इज पब्लिश बाय हुम, विच ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना सभी को। यहां पर जनता ने जवाब देना फिर से शुरू कर दिया कि सर इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश किया जाता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह पब्लिश किया जाता है। आपने देखा होगा बजट के एक दिन पहले यह हमारा जो है सर्वे हुआ था, और उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी लोगों ने देखी होगी हमारे चैनल पर, और बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए होंगे। तो वित्त मंत्रालय जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य मकसद क्या था, पीसी मोहन मोलिस, मेरा नाम पंकज चौबे, तो पीसी मोहन मोलिस मॉडल जो है वो किसको दर्शाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रिमूविंग पॉवर्टी है, सेल्फ रिलायंस है, एग्रीकल्चर है, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देना है सभी को। यहां पे जनता बोल रही है ऐसा सही उत्तर होना चाहिए, यहां पर जितने लोग बोले हैं ऐसा सही जवाब होना चाहिए हमारा कौन सा, तो औद्योगिकरण के ऊपर, जितने लोग औद्योगिकरण बोले हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, यहां पर औद्योगिकरण ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, या इनमें से कोई नहीं, हमारा जो फाइव ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है इसको कौन लेकर के आए थे, यहां पर जवाब देना सभी को, कोई यहां पर पीछे ना रह जाए। यहां पर जनता बोली सर फाइव ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, जितने लोग बोले जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए थे, ये हमारे रशिया से कॉन्सेप्ट को लिए थे, तो जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जो है ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फ्राइडमैन है, अमृत सेन है, मोन्टेक सिंह आलूवालिया है, महबूल हक है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से सब लोग एक बार कोशिश कर लेंगे कि हमारे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है, जल्दी से बताइए, और इंडिया की इस बार रैंक क्या है। यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि कई लोग बोले सर मोन्टेक सिंह आलूवालिया की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए
ठीक है ठीक है। यहां पे जितने लोग बोल रहे हैं सर वंडर मोंटेक सिंह आलूवालिया वो गलत जवाब दे रहे हैं, महबूल उल हक जो है सही जवाब हो जाएगा। अभी हमारे यहां पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 132वीं 132 पे दिखाई देगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107वें नंबर पे दिखाई देगी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन बताएगा जल्दी से? हमारे यहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वीं है, हमारे अगर देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वीं है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वीं रैंक आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जल्दी से, एक नया क्वेश्चन आने वाला है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? यहां पे जनता बोली है सर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 180 है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहां पर जो है बोल सकते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में जब जिसकी जिक्र अभी हमने किया था, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स हो उसमें रैंक हमारी 135वीं है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अच्छा पूछेंगे हमारे यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो फिनलैंड यहाँ पे टॉप पे है, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो कंट्री है वो 136वें नंबर पे आपको शानदार तरीके से दिखाई देगा। तो 136वें नंबर पे मुस्कुरा, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे जो है वो 136वें नंबर पे, क्योंकि हम लोग मुस्कुराते ही नहीं है। ठीक है चलिए आगे जब चलते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल 136वें नंबर पे हमारी कौन सी रैंक है? बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी को संजीत बताना कि समझौता ज्ञापन जो है जिसको हम लोग एमओयू पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ एमओयू कर लिया, ये कौन से वर्ष में इंट्रोड्यूस हुआ? 88-89 में, 87-88 में, 90-91 में, 89-90 में। हमारे यहाँ पे जो एमओयू है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कौन से साल में देखेंगे? जरा सभी लोग यहाँ पर बताइए। देखो यहाँ पे पूजा एकदम मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यहाँ पे अंतर ने जवाब देना शुरू कर दिया यार। सर एमओयू की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा 1987 और हाँ बी नंबर 1987-88 में इसको पास किया गया था, सही जवाब है बी नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जिसको हम लोग NDCIL बोलते हैं, NDCI, अभी हमने बताया था भाई साहब, अगर गलत हो गया तो हम भाई नाराज हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर जो NDCIL है या NDC है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री PM साहब जो इसके क्या होते हैं, हमारे अध्यक्ष होते हैं, और ये प्लानिंग कमीशन बनने के दो साल के बाद इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ए नंबर जितने लोग बोले जवाब उनका सही है, कैप्टन मॉर्गन। कब हुई थी? दो साल के बाद 1952 में। जीन शब्द का प्रयोग, भैया साइंस की तरफ से कितने लोग जरा हाथ उठा देंगे, साइंस की तरफ से कितने लोग हैं यहां पे जरा हाथ उठा देंगे, सर हम साइंस से हैं, बताओ भाई। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन्स, यहां पे अंतर ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर जीन शब्द जो है ये हमारे डेनिस बोटेनियल बोल सकते हैं बोटेनियस्ट जीव, हमारे जो पादप विज्ञान उसको बॉटनी बोलते हैं, और उसके हमारे जोहेंसन विलियम जोहेंसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। जितने लोग यहां पर बोले हैं सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम लोग हैं, वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, मनुष्य में ऑटोसोम्स की जो संख्या है वो कितने जोड़े होती है? 22 जोड़े 11 जोड़े 43 जोड़े 27 जोड़े। ऑटोसोम्स की संख्या जो है मनुष्य में कितने पेयर होती है, जरा जोर से जवाब देंगे सारे लोग। यहां पर अंतर ने जवाब देना शुरू कर दिया सर ऑटोसोम्स की आप जब भी बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? एक पेयर होती है, और ऑटोसोम्स की जो संख्या होती है वो 22 पेयर होती है, टोटल मिलकर के 23 पेयर हो जाते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र बोले जाते हैं। याद रखिएगा जितने लोग यहां पर बोले सर 23 पेयर होना चाहिए वही नंबर पाएंगे। जोड़े हमारे कि नहीं, तुम लोग तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। गुणसूत्रों द्वारा अनुवांशिक सूचना में कोशिका निर्माण से दूसरी कोशिका ले जाने का जो कार्य है वो कौन करता है? गुणसूत्रों द्वारा अनुवांशिक सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का काम कौन करते हैं? आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन है या कैल्शियम है, क्या होना चाहिए? फिर से एक बार कोशिश कर लेंगे सभी के सभी लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए। कई लोग बोले हैं सर हमारा जो है डीएनए की तरफ जाना चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे भैया टिक कर दिया जाए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जितने लोग यहां पर बोले हैं सर डीएनए, तो तुम्हारा डीएनए बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है, एकदम सही है तुम्हारा डीएनए साक्षी। अगला क्वेश्चन के देख दे, ग्लाइकोजन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? अग्नाशय में, यकृत में, आंत में, त्वचा में, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, आपको जवाब देना है ग्लाइकोजन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो अगर हम अपने शरीर के अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि जो हमारे ग्लूकोज जब बार बार जब जमा हो जाता है चर्बी के रूप में जब जमा हो जाता है तो उसको हम लोग यहां पर ग्लाइकोजन बोलते हैं, और चर्बी लीवर में जमती है तो लीवर इज करेक्ट आंसर। अच्छा बताइए हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन बताइए कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपको यह बताना है।
हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है वो इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी, ये भी आपको बताना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन बोन कौन सी, ये भी आपको बताना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया कई लोग जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, जरा यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ये होता है लीवर। नहीं, गलत है, लीवर वालों तुम लोगों का लीवर सही नहीं है, स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जबकि ग्लैंड अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो आप लोगों को याद रखना थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि लीवर जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड का हमारा प्रकार है। बोन तो सभी को पता है फीमर होती है, और जो हमारी सबसे छोटी बोन होती है वो स्टेप्स कान की में होती है, सबसे छोटी हड्डी, खत्म काम, राम राम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लाल चींटियों में, बिच्छुओं में या हमारे मधुमक्खियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ पे HCOOH है, CH3COH है, NH2CONH2 है या C2H5OH है। सर ने पूछा लाल चींटियां जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। HCO जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, यही है ना भैया, HCOOH ये फार्मिक एसिड है, कई लोग इसको फॉर्मलिन भी बोलते हैं। यहां पर हमने ये नंबर टिक करके नंबर प्राप्त कर लिया, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। बिजली से लगने वाली आग है ना, बिजली है ना, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी का, क्लोरोफॉर्म का, या इनमें से कोई नहीं है, क्या होना चाहिए, ये कौन लिख रहा है सर, क्लोरोफॉर्म। यहां पर जनता बोल रही सर क्या होना चाहिए, तो जनता यहां पर बोलेगी सर, कई लोग बोले सर क्लोरोफॉर्म सुखा देंगे, तो क्लोरोफॉर्म कई लोग बोले सर सुखा देंगे, अबे क्लोरोफॉर्म क्या सुखाना है। अगर बिजली से आग लग गई तो आपको कभी ना पानी डालना है ना कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करना है, जिससे आप बिजली की आग को बुझा पा सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारी एक ऐसा वेपर होता है जो आग को भड़काता नहीं है बल्कि शांत करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, बी नंबर करेक्ट है, याद कर लो, डायरेक्ट पूछा जाएगा। आंतों के रोग के निदान के लिए हम किस निम्नलिखित में किस किरण का प्रयोग करेंगे, गामा, बीटा, एक्सरे, अल्फा, या इनमें से कोई नहीं। हम अगर आंतों के रोग का निदान करना चाहते हैं तो किस प्रकार की किरण का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे जनता बोले सर शाहरुख खान वाली किरण का इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, यहां पे जनता याद रखिएगा, हमारे यहां पे चलो आपको हिंट दे देता हूं, हमारे यहां पर जो ये किरण है इसको रोडजन ने खोजा था 1901 में, और भाई साहब पहले साल ये नोबेल प्राइज जीत गए, नोबेल प्राइज इन्होंने अपने नाम कर लिया था, और उस किरण का नाम अब तुम लोगों को पता चल गया होगा, वो शाहरुख खान की किरण नहीं है, वो एक्सरेज है। यहां पर एक्सरेज जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही हो गया, एक्सरेज मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। एस्टिक एसिड में उपस्थित तत्व का नाम बताइए, एस्टिक एसिड में क्या क्या होगा, भैया सिरका बोलते हैं इसको, विनेगर कई लोग यहां पर बोलते हैं, आपको बताने की कौन सा यहां पर एस्टिक एसिड में पाया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो एस्टिक एसिड होता है इसमें पाया जाता है CH3COOH, ये क्या है भैया, ये है हमारा विनेगर। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा काम सही हो गया है भैया, ए नंबर ऑप्शन जितने लोग बोले सही जवाब हो जाएगा, कितने H होते हैं, कितने C होते हैं, कितने O होते हैं, ये भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन था। अगर किसी को एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रसायन निकलता है, अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो भैया कौन सा जो है वो रसायन निकलेगा, हेप्टन है, हिस्टामीन है, हेपेरिन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लिखाई दे रहे हैं। जनता ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है कि सर हमारे यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती है जिसको हम यहाँ पर कह लो को एलर्जी होती है ना, नाक से निकलने लगता है पानी, आंख से निकलने लगता है, क्या हो गया हमको एलर्जी है, तो वो बेसिकली क्या है, वो है हमारा हिस्टामीन। हिस्टामीन के ऊपर आप यहां पे टिक करके नंबर ले सकते हैं, एलर्जी के दौरान ये हमारा जो है वो निकलता है, जिससे आप नाक आंख कहां कहां से। तो खारे पानी नमकीन पानी का एक जलीय घोल है, अरे भाई साहब यार ये नहीं चलेगा, NaCl इज राइट आंसर। आपको बताने इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, सोफ्रामाइसिन है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। चलिए तो भैया याद रखिएगा, कई लोगों ने देखा होगा कभी चोट लग जाती है तो आप लोग एक क्रीम लगाते हो जिसको बोलते हैं सोफ्रामाइसिन, कितने लोगों नाम सुना है जरा हाथ उठा देंगे, सर हमने सोफ्रामाइसिन का नाम सुना है, है? तो सोफ्रामाइसिन जो है ये हमारी एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, बाकी के तीनों ये हमारे क्या है, एंटीबायोटिक है,
पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा, और इनको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो सुप्रामाइसिन जो है ये हमारी क्या एक एंटीसेप्टिक है, यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब हो जाएगा, सही है यार। हाँ तुम लोगों ने उठाया ही नहीं, मैंने पूछा था कितने लोगों ने नाम सुना है, क्या हो सकता है तुम्हारा कमेंट ऊपर चला गया होगा। अच्छा नाम नहीं सुना तुम लोगों ने, अच्छा उठा रहे लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, निमोनिया होता है, सेफिल्स होता है, इबोला होता है। इबोला। तो दोस्तों यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहां पे प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो बीमारी है, प्लाज्मोडियम कुनेन की गोलियां खाते हैं, है ना, और ये फीमेल से होता है, फीमेल से मतलब फीमेल एनाफिलीज से होता है। अब पता चला कि भाई लड़कियों से दूरी बना के रखो, नहीं तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका नाम है मलेरिया, तो जितने लोग यहां पर मलेरिया बोल रहे हैं सही जवाब हो जाएगा, और ये फीमेल एनाफिलीज से फैलने वाली बीमारी है। ए नंबर ऑप्शन 100% सही जवाब है। 78 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम जो है ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो प्लांट होते हैं उसके किसका हमारे वो जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है? पानी का, ऑक्सीजन का, खनिज का, खाद्य पदार्थ, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है? किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप फ्लोएम को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? तो बहुत सारे लोग बोले सर फ्लोएम मतलब होता है फूड, फ्लोएम मतलब क्या होता है? फूड होता है, और हमारे जाइलम मतलब जल होता है, जाइलम मतलब क्या होता है? जल होता है। तो फ्लोएम मतलब फूड, जाइलम मतलब जल, सही जवाब हो जाएगा हमारा। फूड कहां है? फूड के ऊपर टिक कर दिया, सही जवाब हो जाएगा, खाद्य पदार्थ है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, समान फोकल लंबाई के दो ग्लास लेंस और उत्तल और दूसरा अवतल है, एक दूसरे से सटा के रखे हुए, इस जोड़ी को हम क्या बोलेंगे? फिर से यहां पर देखते हैं, समान फोकल लंबाई के दो ग्लास लेंस, एक उत्तल है और दूसरा अवतल, दोनों को सटा के रखा गया तो क्या बनेगा? ठीक है बताइए, लेंस है सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है। अब इन दोनों को जब सटा के रखा गया तो आपको बताना है क्या बनेगा। यहां पे बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा, भैया देखो जब भी एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, है ना, न्यूट्रल हो जाएंगे पानी, है ना। तो इसी तरीके से भैया एक उत्तल एक अवतल को मिलाओ, सपाट की जैसे चादर नहीं बन जाती, सपाट कांच की चादर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई डाइवर्जन कोई कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया यहां पे सी नंबर ऊपर टिक करना है, सेम एसिड बेस, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तुम इधर मोड़ोगे हम उधर मोड़ेंगे, मामला सीधा हो जाएगा। यहां पे सी नंबर इज राइट आंसर, जितने लोग सी नंबर बोले सही जवाब हो जाएगा। यहां पे संवहन द्वारा जो ऊष्मा का हमारा संचारण होता है, कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम कहां पर देखेंगे? ठोस और तरल में, ठोस और वैक्यूम में, गैस और तरल में, वैक्यूम और गैस में, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। हमारे जो संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है वो आपको कहां पर दिखाई देगा? यहां पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे। यहां पे कल हमने बात की थी चालन की, कल नहीं किसी ना किसी सेट में आज आपने बात की थी चालन की। चालन का मतलब होता है हमारे कंडक्शन, जिसमें ठोसों में हमारी ऊर्जा का संवहन होता है ना। अब हमारे जो लिक्विड और गैस आ जाते हैं उसमें संवहन होता है, तो मतलब सी नंबर वापस से सही है, गैस और लिक्विड में, और विकिरण में तो भैया कोई जरूरत ही नहीं है, हना हन चलता है एकदम। अगला क्वेश्चन इंसुलिन से है, आपको बताना है इनमें से हमारे इंसुलिन जो है ये किसके अधिक श्रावण से होता है? डायबिटीज, इंसुलिन कौन सा रोग इंसुलिन के अधिक श्रावण से होता है? डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसीमिया है, मैग्नेजाइटिस है, यकृत सिरोसिस है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा संजीत उसका नंबर जाने की संभावना है, जैसे कैप्टन मॉर्गन ने ध्यान से एकदम नहीं पढ़ा, है ना। हमने पूछा इंसुलिन जब ज्यादा निकल रहा है तो भैया क्या हो जाएगा? अब जवाब दो, हाँ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब देखिए ये ज्यादा निकल रहा है मतलब हमारे ये ज्यादा ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर रहा है, अगर ये कम निकलेगा तो डायबिटीज, ज्यादा निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। आपको बताना है कि बायोनोमियल सिस्टम जो है ये कौन लेकर के आया था? जॉन रे, मेंडल, लाइनस, बेथम हुकर, या इनमें से कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है? इनमें से कौन है जो हमारे बायोनोमियल सिस्टम को लेकर के आए थे, क्या नाम है उनका? तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर हमारे कार्लोस नीनियस ने सबसे पहले बायनोमियल सिस्टम को लेकर के आए थे, कार्लोस नीनियस जिन्होंने हमारे क्या किया था सबसे पहले वर्गीकरण को लेकर के आए थे, तो ये यही क्वेश्चन पूछा जाता था। तो कार्लोस नीनियस इज द फादर ऑफ हमारे, बोल सकते हैं कि
जो जीवों का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन आपको यहां पे बताना है, इनमें से हार्मोन जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है, सर ये तो यार गड़बड़ हो गया, हार्मोन वो भी गैसियस स्टेट में कौन सा है? हम पे ऑक्सिनस है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, एनुसिलीन है, या इनमें से कोई नहीं? गैसियस फॉर्म में जो हमारा हार्मोन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। सर हमारे जो हार्मोन गैसियस फॉर्म में होता है उसको कई लोग बोले हैं कि सर ये फलों को पकाने के लिए पौधों में पाया जाता है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जिसको कई लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन के नाम से जानते हैं। ये हमारे नेचुरल जो राइप करने के लिए फलों को पकाने के काम में आता है, ये एथिलीन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। मोनेरा जो है ये हमारे किस एनिमल किंगडम में आएगा? मोनेरा के किंगडम में कौन आएगा? बैक्टीरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है, कछुआ है, या हमारे इनमें से कोई नहीं? कछुआ है, कछुआ। तो यहां पर राहत अली बोला है कि सर अगर आप यहां पे मोनेरा किंगडम की बात करेंगे तो मोनेरा जो है ये हमारा जिसका हिस्सा आता है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु जो है ये मोनेरा किंगडम में आपको दिखाई देंगे। यहां पे सही जवाब है ए नंबर। अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ किंगडम में आता है। हाइड्रा की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रा हमारा किस में आता है? तो ये निरिडियन फैमिली में आता है। केचुआ जो है ये हमारे किस में आता है? जल्दी से बताएंगे तो ये हमारे एनिलीडा क्लास में आता है। एनिलीडा क्लास में केचुआ आता है। एनिलीडा केचुआ निरिडियन में आता है हमारा। हाइड्रा अमीबा आता है प्रोटोजोआ में, जीवाणु आता है मोनेरा क्लास में। भागो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। यदि किसी चलती वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि किसी चलती वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? मतलब कोई गाड़ी जा रही है ना 100 की स्पीड में और अचानक से उसको 200 की स्पीड कर दिया तो क्या होगा? लोड दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन दुगना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सर का जवाब क्या? सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है? अगर हमने किसी के वेग को दुगना कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी हम अपने वेग को बढ़ाते हैं हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मतलब वो इसके स्क्वायर में बढ़ती है। दुगना करोगे चार गुना होगी, तीन गुना बढ़ोगे तो नौ गुना होगा, समझ रहे हो कि नहीं? चार गुना करोगे तो सोलह गुना होगा, तो यहाँ पे दो गुना बढ़ाएगा तो चार गुना के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। एक्सलेशन डबल नहीं होगा साकेत, समझ रहे हो कि नहीं? बिहार में इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे देखो, ये जिला है, ये है हमारा उत्तराखंड, सॉरी ये हमारा उत्तर प्रदेश, यहां पर है झारखंड, ये बिहार में आ जाता है। कौन होना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बक्सर नहीं, बक्सर तो केवल हमारे उत्तर प्रदेश को टच करता है, करमनासा नदी बहती है, नहीं, झारखंड भी आना चाहिए। तो वो जगह का नाम है रोहतास। रोहतास की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये हमारा शाहबाबाद डिस्ट्रिक्ट भोजपुर से हमारे उत्तर प्रदेश और सासाराम के पास में अगर देखेंगे तो झारखंड से कनेक्ट होता है। तो सी नंबर ऑप्शन रोहतास सही है। जो लोग बक्सर बोल रहे थे, यहाँ पे केवल ये यूपी से टच करता है, झारखंड भी नहीं है यहाँ पे। बिहार छात्र सम्मेलन में का गठन किस नेता के द्वारा किया गया था? जो बिहार छात्र हमारा सम्मेलन है ये किस नेता के द्वारा इसका गठन किया गया? यहाँ पे जनता बोली है, सर अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, अच्छा तुम लोगों को मालूम है क्या होना चाहिए? तो बिहार छात्र सम्मेलन संगठन, सबसे पहले तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस क्रांतिकारी ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणीन्द्रनाथ घोष है, अजय घोष है, ज्योतिन्द्र नाथ है, भगत सिंह है। 1998 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह की यह पार्टी है, बताओ भैया किसने पार्टिसिपेट किया था? बताइए भैया, आधे लोग कह रहे सर अब नींद आ रही है, एक घंटा हो गया नींद आ रही है, जल्दी से कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, निपटा लेते जल्दी फटाफट से। तो यहाँ पे अंता बोले इसे सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोले सर हमारे फणीन्द्रनाथ घोष था, सही जवाब हो जाएगा। फणीन्द्रनाथ घोष जो है ये इस पार्टी को ज्वाइन किए थे। जितने लोग बोले सर सही उत्तर होना चाहिए, सही जवाब होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो नंबर पा गए। यहाँ पे आपको बताना कि तीन कठिया सिस्टम प्रणाली क्या है, जरा पढ़ो और जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। तीन कठिया सिस्टम जो है ये हमारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों तीन कठिया सिस्टम सभी को पता है कि हमारे जो 20 भाग अगर पार्ट है तो उसमें तीन भाग इंडिगो के हमारे क्या लगाने हैं, फ्लावर लगाने हैं। तो आपको याद रखना है हर हमारे 20 भाग में तीन भाग जो है वो इंडिगो फ्लावर, ये कॉन्सेप्ट तीन कठिया सिस्टम लगाता है। तो यहां पर सिर्फ ए नंबर ऑप्शन, जैसे ही आपने देखा होगा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, इसीलिए मैंने कहा पढ़ो, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार स्वराज पार्टी की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? 2 जून को 4 फरवरी को 5 दिसंबर को मार्च 1923 या इनमें से कोई नहीं, कुछ और लग रहा है वो भी आप जवाब दे सकते हैं। बिहार स्वराज पार्टी की जो स्थापना ये कब हुई थी? तो दोस्तों जितने भी लोग यहां पर अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू आप सभी के लिए लेकर के आया है स्टडी आईक्यू पीसीएस का एक अलग प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे यहां पर आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा वहां पर आपको क्लास मिलता है डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, शानदार तरीके से अलग अलग स्टेट एग्जाम की यहाँ पे तैयारी होगी एक बढ़िया तरीके से। एक सही हमारे इतने सालों के विश्वास और इतने साले स्टूडेंट्स का जो प्यार है स्टडी आईक्यू का, उसी का एक स्टेट चैनल स्टेट जो है वो हमारे सर्विसेज के लिए हमारा जो योगदान है वो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो आप सभी लोग जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हमारा पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार पीसीएस का तो हमारे 12 तारीख को ही, हरियाणा पीसीएस का हो, सभी का पीसीएस के एग्जाम्स के लिए वो एकमात्र वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अभी कोई तो पूछ रहा था अंजलि, तो आप वहां पर कर सकते हैं, जल्दी से जाइए, आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अंत में मैं आपको लिंक भी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्वराज पार्टी की जो पहली बैठक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए ए नंबर, मतलब 2 जून 1923 में ये हमारा हुआ था। कौटिल्य इनमें से किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य मतलब चाणक्य, सभी लोग जानते हैं किस राजा के प्रधानमंत्री थे, राजा भोज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ और लग रहा है वो भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थान वहाबी आंदोलन का केंद्र था? हमारे बिहार के जो वहाबी स्थान है उसके केंद्र के तौर पे हम किसको यहां पे जानते हैं? सर पिछले वाले का आंसर आपने नहीं बताया, अच्छा तो पिछले वाले का आंसर है हमारा सभी चंद्रगुप्त मौर्य, आसान क्वेश्चन था। तो वहाबी आंदोलन का केंद्र के बारे में हम यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं, तो जनता यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो जितने लोग बोल रहे हैं सर वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भागलपुर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, यूरोपीय यात्री जो पटना में आया था वो कौन सा था? मुंची था, फिंच था, ट्रेवनियर था, या हमारे जीन थावनोट थे, कौन थे जो हमारे पटना में कदम रखे थे? तो बहुत अच्छी तरीके से फिर से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया कि मुगल एम्पायर में हमारे यहाँ पे ट्रेवनियर आए थे, जो कि पटना में भी आए थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1830 में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? भील आंदोलन, हो आंदोलन, वहाबी आंदोलन, कोल आंदोलन, या आपको इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं। सर का क्वेश्चन है कि पटना इनमें से किस आंदोलन का केंद्र था हमारे 1830 में? तो फिर से यहां पर सभी लोग बोले हैं सर सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको हम लोग वहाबी आंदोलन बोलते हैं, वहाबी आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिसको हम लोग PMCH के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 21 में हुई थी, 22 में, 24 में, या 25 में? हमारे यहाँ पे PMCH की स्थापना कौन से साल में हुई थी, जरा जवाब दे दे सारे लोग। यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है कि इसका सही उत्तर है, कई लोग 1921 बोल रहे हैं, है ना, तो भैया यहाँ पे जो सही जवाब है वो है हमारा 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कौन सा शहरी समूह भारत के शीर्ष 10 में चुना गया था? शहरी अर्बनाइज नेशन में बिहार के कौन सा जो है वो शीर्ष 10 में था? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो भैया यहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो शीर्ष 10 में अगर देखेंगे तो हमारे पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, इन तीनों को अगर हम मिला दिया जाए तो शीर्ष 10 में रखे जाएंगे। नहीं, कोई भी शीर्ष 10 का हमारा नहीं था, नहीं किसी को भी, पटना भी यहां सम्मिलित नहीं था, तो ये अपने आप में थोड़ी सी चिंता की बात थी कि नो इन टॉप 10 बिहार अर्बन हमारे सिटीज। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ है, हिंदी हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ है, हिंदू स्वराज है, या इनमें से कोई नहीं? महात्मा गांधी जी ने इनमें से कौन सी किताब को लिखा हुआ है, जरा जवाब दे देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये हमारी किताब नेहरू जी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ होती तो सही जवाब हो जाता,
तो हिंद स्वराज यहां पर जो सबसे एक्यूरेट है वो है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किताब जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी हुई थी, सबसे पहली किताब भी आप इसको बोल सकते हैं। 1909 में गांधी जी ने इस किताब को लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? सर्च लाइट है, पटना टाइम्स है, द इंडियन नेशन है, बिहार स्टैंडर्ड या इनमें से कोई नहीं। हमारे यहां पर दरभंगा के जो महाराज है कामेश्वर सिंह, इन्होंने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो दोस्तों यहां पर फिर से अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो बिहार स्टैंडर्ड ये जो समाचार पत्र है ये हमारे दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 9 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय में कितने छात्रों को गोली मारा गया था? 11, 13, 9, 7, कितने छात्र जो है यहां पर गोली से मारे गए थे? तो 11 अगस्त 1942 की बात है, मतलब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और हमारे यहां पर जो 7 छात्र है इनको गोली से मार दिया गया था। यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं डब्ल्यू जी हमारा जो अर्चर थे उनके आदेश पर, डब्ल्यू जी अर्चर के आदेश पर यह गोली मारी गई थी। मतलब देख सकते हो कि अंग्रेज जो है किस हद तक जा रहे थे, ये हमारे डीएम साहब थे पटना के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का ये 100वां नंबर का क्वेश्चन है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण, रामानंद सिंह थे, कृष्ण सिंह थे या इनमें से कोई नहीं? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हम किसका नाम टिक करके आएंगे? यहां पर जितने लोग बोले हैं सर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष के तौर पर थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव इज करेक्ट आंसर। पातालपुरी गुफा इनमें से बिहार के किस जिले में? भागलपुर, गया, नालंदा, रोहतास या इनमें से कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है? हमारे पातालपुर जो हमारी केव है ये आपको कहां पर दिखाई देगी? तो बहुत सारे लोग बोले सर ये भागलपुर में आपको दिखाई देगी, तो भागलपुर यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर इनमें से किस नदी के तट पर दिखाई देगा? फागु है, कोयल है, महानंदा है, सरयू है या इनमें से कोई नहीं? सर का क्वेश्चन है कि हमारा जो विष्णुपद मंदिर है ये आपको किस नदी के किनारे दिखाई देगा? तो दोस्तों गया में आपको सबसे पहले तो ये मंदिर कहां पर है? गया में है। और अभी नीतीश कुमार जी ने इस नदी के ऊपर इंडिया का पहला रबड़ का बांध बनाया। रबड़ का बांध सबसे पहले किस नदी के ऊपर बनाया? तो आपको याद रखना है ये हमारा फागु नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और ये विष्णुपद मंदिर भी वहीं पे है। इनमें से कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है? खिलौना है, खिलौना सोहर है, विदाई है, जोगन है। अरे भैया ललनवा भैला सोहर गाओ रे सखी, सुने हो गाना कि नहीं? तो भैया अब तो हमने यहाँ पे गा के भी बता दिया, सोहर जितने लोग बोल रहे हैं राहुल सही जवाब हो जाएगा। तो सोहर गाया जाता है, तुम्हारे जन्म के समय भी इतना मम्मी ने खूब गाया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पटना कलाम चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे कंपनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य केंद्र पटना, दानापुर और आरा थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान में इस शैली का पतन होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को संरक्षण मिला या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, कलाम पेंटिंग जो है ये हमारे बताइए क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर ऑप्शन नंबर ई के ऊपर टिक कर सकते हैं, कलाम पेंटिंग जो है ये मुगल स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल की में बनाई गई पेंटिंग थी। कहां पर है? तो मुगल स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल की ये पेंटिंग थी, ई नंबर ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं। मतलब यहां पे सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, सारे ऑप्शन यहां पर सही है। मदार मेला बिहार के कहां पर लगता है? महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, तीज मेला, मदार दिवाली या आपको इनमें से कोई नहीं? मदार का मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो अभी कुछ दिनों पहले हमने मदार का मेला देखा था, है ना? तो मदार का मेला जो है ये हमारे कहां पर लगता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारे मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है। मकर संक्रांति जितने लोग बोल रहे हैं ये हमारा मदार का मेला बांका डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे? जो बांका डिस्ट्रिक्ट है यहां पर ये मेला आपको दिखाई देगा मकर संक्रांति के दिन। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। त्रिवेणी कैनाल जो है ये हमारे कौन सी नदी से पानी प्राप्त करती? कोसी, गंगा, सोन या गंडक या इनमें से कई सारे ऑप्शन सही है। हमारी जो त्रिवेणी कैनाल है ये कौन सी नदी से हमारे नदी को पानी को प्राप्त करती है, जो बिहार की सबसे बड़ी नदी के तौर पे जानी जाती है? तो त्रिवेणी कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे नेपाल से आने वाली गंडक नदी से पानी को प्राप्त करती है और बिहार की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। बिहार का सबसे ज्यादा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार या इनमें से कई सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक हमारा जो जिला है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर बिहार का जो जिला जो सबसे ज्यादा जूट पैदा करता है वो है पूर्णिया। पूर्णिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला जिला है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट किस देश के समर्थन से बनाया गया? यूएसएसआर है, जापान है, जर्मनी, इंग्लैंड। हमारा जो बरौनी थर्मल पावर प्लांट है ये किस देश की मदद से बनाया गया है? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि बरौनी जो थर्मल पावर प्लांट है ये हमारा जिसकी मदद से बनाया गया है उसका नाम कई लोग बोल रहे हैं रसिया है, मतलब यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर एक जितने लोग बोले सही जवाब हो जाएगा।
नेपाल के अरुणा हाइड्रिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन किस जिले से होकर के भारत में आती है? किशनगंज, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या इनमें से कोई नहीं। हमारे अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन की है ये आपको किस जिले से इंडिया में आती हुई दिखाई देगी? जनता बोली है सर सीतामढ़ी के ऊपर टिक करके नंबर ले सकते हैं, सीतामढ़ी इज करेक्ट आंसर। आपको बताने में से कौन सा भारत में भुगतान प्रणाली नहीं है? भारत का ट्रांसफर करने का तरीका एनईएफटी, आरटीजीएस है, आईएमपीआर है या सीआरएआर है? तो कौन सा नहीं सभी को पता है, यूपीआई से आजकल हर जगह यूपीआई चल रहा है, तो यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सभी है, लेकिन ये वाला तरीका भारत में नहीं काम करेगा। आपको बताना है कि 2022 के जो हमारे एशियन खेल्स हैं ये कहां पर होने वाले थे, जिसको कोविड जीरो पॉलिसी के तहत इसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया है, कोविड जीरो पॉलिसी के तहत आगे ट्रांसफर किया गया। भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ये है हमारा बिल्कुल जितने लोग बोले चाइना, तो चाइना में हो गया। पूर्वोत्तर खाद्य शो में हमारे मेजबान शहर कौन था? गुवाहाटी, दीमापुर, शिलांग, गंगटोक या इनमें से कोई नहीं। हमारे पूर्वोत्तर जो खाद्य शो है, नेशनल फूड शो है, ये इसका संस्करण कहां पे आपको दिखाई देगा जरा जल्दी से बताइए, क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शुरू हो चुका है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे, यहां पे सबसे पहले बताओ डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ है? डिफेंस एक्सपो, जल्दी से क्वेश्चन आने वाला है यहां पे, डिफेंस एक्सपो कहां पर हुआ? G20 की हमारी 2022 वाली मीटिंग कहां पर हुई है जल्दी से बताओ सभी लोग। यहां पे तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, ब्रिक्स की मीटिंग इस बार की कहां पर हुई है? ब्रिक्स की मीटिंग इस बार की कहां पर हुई है? चौथा क्वेश्चन बताइए, नाटो की मीटिंग आप कहां पर देखेंगे? नाटो की मीटिंग कहां पर हुई? पांचवा क्वेश्चन बताओ आप सभी लोग, एससीओ की मीटिंग कहां पर हुई है? छठा क्वेश्चन बताओ, COP27 जो है ये कहां पर आपको होता हुआ दिखाई देगा? आठवां क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हमारे यहां का जो एशियन समिट है इस बार का कहां पर आयोजित किया गया? इन सभी प्रश्नों के जवाब जो लोग जानते हैं वो यहाँ पे फटाफट से दे रहे हैं, जो नहीं जानते देख लेंगे। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है, हमारा G20 समिट आपको देखने को मिलेगी बाली में, और 2023 की इंडिया में होनी है। ब्रिक्स समिट जो है ये हमारे चाइना में हुई है, अब आने वाली जो है साउथ अफ्रीका में होगी। नाटो की समिट जो है ये हमारे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुई, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुई। एससीओ की समिट जो है ये हमारे समरकंद कहां पर पड़ेगा? हमारे उज्बेकिस्तान में हुई है। एशियन समिट जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो जितने लोग बोले सर एशियन समिट जो है ये हमको कंबोडिया में देखने को मिलेगी इस बार की, वो भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ले लो नंबर, फ्री का मिल गया, हो गया भैया, वाह भाई वाह। अरे COP27 बचा हुआ है, ये हमारे शर्म अल शेख नाम की जगह पर जो इजिप्ट में आपको दिखाई देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन एशिया जो पुरुष एकल महिला टूर्नामेंट है इसको किसने जीता है? जी ली जिया वोंग जी, जनाथन क्रेटियन, यामाउची है, बाकी का तुम लोग पढ़ लो। कंफ्यूजिंग नाम है इतने। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है ये हमको सीधे बताइए आप लोग। तो बहुत अच्छी तरीके से जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता हो गया था ना, हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का फूड हो रहा है वो मेघालय के शिलोंग में हो रहा है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ली जी जिया एंड वोंग जी यी, इन्होंने ये जीता हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? चलिए भारतीय अंतरिक्ष इसरो की बात करते हैं, और न्यू स्पेस इंडिया ने 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है पीएसएलवी से। किस देश के 3 उपग्रह जो है ये सफलतापूर्वक लॉन्च किए? इसरो ने यहां पर किसी दूसरे हमारे स्पेस दूसरे जो हमारा देश है उसके 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। ये एशिया का सबसे छोटा देश है लेकिन पूरी तरीके से डेवलप है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसी देश से आता है, और इस देश का नाम जनता ने बता दिया कि सर होना चाहिए क्या, सिंगापुर। सिंगापुर के 3 हमारे जो उपग्रह हैं वो इंडिया से लॉन्च किए गए। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रेनमिंगबी जो है ये हमारे लिक्विडिटी के लिए किसके साथ टाई अप किया हुआ है? ये हमारे चाइना की करेंसी है, आपको बताना है आईएमएफ, यूएस का जो फेडरल बैंक है, हमारा जो इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक है, ब्रिक्स देश है, या इनमें से कई सारे ऑप्शन सही है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर से जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जितने लोग बोले हैं सर हमारा BIS, जिसको हम लोग बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बोलते हैं, जो कि हमको कहां पर स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा, सही जवाब है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाएगा? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, या इनमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। सर का क्वेश्चन है नेशनल इंश्योरेंस हमारा जो अवेयरनेस डे है ये किस दिन मनाया जाएगा? याद रखिए 28 जून को ये हमारा डे सेलिब्रेट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर 2025 में धूम्रपान मुक्त होने के लिए किसने हमारे विधेयक जारी किया है, पूरी तरीके से स्मोक फ्री कंट्री बनाने के लिए कौन है?
तो अभी हमने देखा कि यहाँ की जो हमारे प्रधानमंत्री थी उन्होंने यहाँ पर रिजाइन दे दिया जर्डन ने। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अकेडा न्यूजीलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलिंगटन यहाँ की करेंसी है, इन्होंने ये विधेयक को जारी किया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जेफरी आर्मस्ट्रांग को 2021 में आईसीआर के प्रतिष्ठित हमारे जो आइडियोलॉजिस्ट सम्मान है उसे सम्मानित किया गया, ये कौन से देश से, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके, कौन से देश से ये हमारे संबंधित दिखाई देंगी। तो जेफरी आर्मस्ट्रांग जो है ये हमारे कहां से संबंधित है, ये हमारे कनाडा से रिलेटेड है, कनाडा जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी जी ने कहां पर किया, हमारे जो हरदीप पुरी जी हैं वो पैरा गेम्स का उद्घाटन कहां पे किए, मुंबई, अहमदाबाद, उड़ीसा, नई दिल्ली, या इनमें से कई ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्ति की घोषणा की जाती है, आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को हम ये बोलना चाहेंगे इस पूरे क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए जो है वो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप इस पूरे क्लास की PDF ले पाएंगे। और अगर अभी तक आप स्टेट लेवल PCS की तैयारी करें और STDIQ PCS चैनल को एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाइए एनरोल करिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। करंट अफेयर्स से लेकर के सारे अलग अलग स्टेट PCS की आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती है फटाफट तरीके से। और आप सभी लोग हमारे सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, एंड फिर से एक बार जय हिंद।